अनिक, सौम्या, अरुण, गौरव, हम लोगों ने चार क्वेश्चन भी दिया था. फाइंड फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो कह रहा है फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 1/5 के. कौन कौन निकालेगा? 1/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. कौन कौन निकालेगा? समय. हाँ अनिल बताओ क्या क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? सर 1/6. नहीं गलत है. जैनब. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कह रहे हैं 1/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. कैसे निकलेगा जैनब? सर रुक जाइए, बता रहे हैं. बताइए अनिक, एक बार बुक से देख के बताओ. सौम्या, गौरव, अरुण. यस सर. 1/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. हेलो. हाँ कह रहे हैं जैनब. जैनब सर आपकी फोटो नहीं आ रही है ना, आवाज आ रही है. जैनब क्या कहते हैं आकाश गुप्ता वाले पे जाके 2 बार पिन. जैनब अनेक, इसको अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना है तो हम लोग करते क्या थे सर? 1/10 मल्टीप्लाई करते जाते थे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाते थे. इसका 2 में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया. 2 1 2, 5 2 10. अगर जैनब नेक्स्ट हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता तो हम क्या करते हैं सर? 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1/5 किसमें? किसमें? 1/5 में. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाते हैं. 3 1 3, 5 3 15. यानी कि फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा ये है, सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है. अगर थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता तब 4 से ऊपर न्यूमरेटर में और 4 से डिनोमिनेटर में क्या कर देते मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाता? नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता. ये अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डन कर लिया था. आगे चलते हैं हम लोग. सेवन पॉइंट आप लोग को बोला गया था करने के लिए. अब 7.8 लाइक फ्रैक्शंस दिख रहा है. सब लोग वहां पहुंचिए. 7.8 सर दिख रहा है. दिख रहा ना? जैनब रीड करिएगा. फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. कह रहा है फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल होंगे, तो उनको हम कैसे फ्रैक्शंस बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल क्या क्या दिया गया है जरा? 1/15, 2/15, 3/15, 8/15 आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस. क्यों सर? क्योंकि 1, 2 और 3, 8 का सारे डिनोमिनेटर्स 15 है. जितने भी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं जरा, हमें जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन दिख रहा है 1/15, सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो हमें दिख रहा है 2/15, थर्ड वाला जो हमें दिख रहा है 3/15, और फोर्थ वाला जो हमें दिख रहा है 8/15, ये जितने दिख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर इक्वल है. और कितना है इक्वल होने के बाद? 15 है. तो सारे डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए कैसे फ्रैक्शन हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन.
लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस किसको बोलेंगे सर? जिनके जिस नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो। अब अनलाइक वो हो जाएंगे जिनके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, वो ऐसे फ्रैक्शन क्या बोले जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। लाइक तो हो गया जो जिसमें क्या कहते हैं जनाब, इक्वल हो गए डिनोमिनेटर, ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे उनको हम क्या कह देंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब कह रहा है इसी के आगे दिया गया आर 7/27 एंड 7/28 लाइक फ्रैक्शंस। नीचे दिया गया देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अलग है, डिफरेंट है, देयरफॉर दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक और अनलाइक वाले समझ आ गया आप लोग को? यस सर। सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। अब आएंगे 7.9 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो लो रीड करो, अनिल रीड करो 7.9। यस सर। रीड करो। व्हील हिल इज 1:3 सर, ये क्या है सर? रेशियोस। रेशियोस रेशियो इज रोटेट इन फोर प्लेन एंड रीता हैज रोटेट इन हियर प्लेन एंड हू लॉस हाउस अस मोर रोटेट इन हियर सर। और सर ये क्या है? जनाब बाबरी टो सोनी हैज Sony has 3 complete 1/2 ratios in her plate and roti Rita है. Roti है. Roti. Roti. In her plate and Rita has 2 complete 3/4 rotis in her plate. Who has more rotis in her plate? Clearly Sony has 3 full rotis and more, and Rita has less than 3 rotis, so Sony has more rotis. अब कह रहा है आप कैसे लिखा है? मैं खुला three completed 1/2 and 2 completed 3/4 ऐसे लिखा है? Yes sir. ये हमें क्या बताता है? ये जो चीज लिख रही है और ये चीज लिख रही है, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? टू थ्री कंप्लीटेड 1/2, यानी कि 3 तो कंप्लीट है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नंबर है। सेम हमें ये बता रहा है टू कंप्लीटेड, यानी कि 2 कंप्लीट है, उसके आगे कुछ नंबर, ये बताता है कि नहीं बताता है? यस सर। ठीक है, तो कह रहा है ये दोनों लोग के पास रोटीज है, कह रहा है क्लियरली Sony has 3 full rotis and more than 3 rotis and more, यानी कि उसके पास 3 है उससे कुछ ज्यादा, और and Rita has less than 3 rotis, क्योंकि ये 2 है complete है 3 नहीं पहुंच रहा है, तो यानी कि less than 3। अब आ रहा है नीचे consider 1/2 and 1.3 as shown in figure 7.12. The portion of the whole corresponding to 1/2 is clearly larger than portion of the same whole corresponding to 1/3. अब कह रहा है whole मतलब होता है complete, 1/2 means आधा, half। आधा मतलब कि जो whole था उसमें से क्या हो गया? Half हो गया, half हो गया। और अगर 1/3 है तो सर थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, यानी कि
जो कंप्लीट आपका वन पार्ट था उसमें कितने पार्ट हो गए? थर्ड पार्ट दिख रहा है जैसे आप लोग का बना गया है। फिर जैसे आपका वन फोर्थ हो गया, फिर आपका नेक्स्ट हो गया वन फिफ्थ हो गया, ऐसे आपके डायग्राम दिख रहा है। दिख रहा है कि दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, सो वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री, क्लियर है? Yes, sir. But often it is not easy to say which one part of pair of fraction is larger. For example, which is greater, 1/4 or 3/10. For this, we may wish to show the fractions using figure, but drawing figures may not be easy, especially with denominators like 13. We should therefore like to have a systematic procedure to compare fractions. It is particularly easy to compare like fractions do this first. Comparing like fractions. अब कह रहा है जो लाइव फ्रैक्शंस होते हैं उनको कंपेयर करना। तो फर्स्ट तो आता है कि लाइव फ्रैक्शंस होते क्या हैं? तो लाइव फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं सर? जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। हाँ, तो अब जैसे आपका एग्जांपल दिया गया है 2/5, 3/4, 1/5, 7/2, 3/5, 4/5 एंड 4/7। अब कह रहा है लेट अस कंसीडर टू लाइव फ्रैक्शंस 3/8 एंड 5/8। अब देखेंगे 8 कॉलम्स बने, उसमें से 3 क्या है? कलर्ड बॉक्स है। सेम है आपका 8 बॉक्स बने, उसमें से 5 कलर्ड बॉक्स है। इन बोथ द फ्रैक्शंस द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है इन द बोथ द फ्रैक्शन होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल 8 इक्वल पार्ट्स। ये जो है इनको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर 3/8 एंड 5/8 वी टेक 3 एंड 5 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द 8 इक्वल पार्ट्स। क्लियरली आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स द पोर्शन करिस्पोंडिंग टू 5 पार्ट्स इज लार्जर देन द पोर्शन करिस्पोंडिंग टू थर्ड पार्ट। अब कह रहा है द पोर्शन करिस्पोंडिंग टू 5 पार्ट्स इज लार्जर देन द पोर्शन करिस्पोंडिंग टू थर्ड पार्ट्स। हेंस 5/8 is greater than 3/8. Note the number of the parts taken is given by the numerator. अब हम लोगों ने जो ये लिया है नंबर, ये किससे लिया है? न्यूमिनेटर से लिया है। It is therefore clearly that two fractions with the same denominator, the fraction with the greater numerator is greater. यानी कि जब लाइव फ्रैक्शन मिल जाए या ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा जो ज्यादा होगा वो ग्रेटर होगा, उससे जो कम होगा वो स्मॉलर होगा, और जो सबसे ज्यादा कम होगा वो और स्मॉलर होगा। ये चीज समझ में आ गई? जैना बनी करुण सौम्या, ये चीज समझ में आ गई? यस सर ठीक है। यानी कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, जैसे आपका एक क्वेश्चन है वन बाई एट, फाइव बाई एट एंड 3/8, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें से ग्रेटर कौन होगा बताइए? सर 5/8 ग्रेटर फ्रैक्शन कौन होगा? सर 5/8। क्यों सर? क्योंकि 5 1 और 3 से बड़े हैं और नीचे डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो 5 बड़ा होगा, फिर 3 वाला होगा, फिर 1/8। 8 मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा इसको ऐसे लिखा जा सकता है? यस सर। यानी कि सबसे बड़ा 5 वाला है, फिर आपका थर्ड वाला है, फिर आपका कौन सा है? 1 तो ऐसे आप देखेंगे ट्राई दिस, आप सब लोग को दिख रहा है बुक में? यस सर। तो ट्राई दिस में फर्स्ट वाला अनिक बताओ कौन सा बड़ा है? सर 11/5 11/5 आपको कहाँ दिख रहा है?
अच्छा आप सेकंड वाला कर रहे हो क्या? यस सर। अनिल? हाँ अच्छा ठीक है। अरुण? यस सर। सी वाले में कौन सा बड़ा है? अरुण 13/7 13/7 फिर उससे छोटा कौन सा है? 11/7 देन उसके बाद 7/7 ठीक है। तो ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शंस के कंपेयर करना। अब आता है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। ये बार लाइक जो होते हैं फ्रैक्शंस उनको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। चलो जनाब रीड करो। Consider a pair of unlike fraction 1/3 and 1/5 in which the numerator is the same. Which is greater, 1/3 or 1/5? In 1/3, we divide the whole into 3 equal parts and take 1. In 1/5, we divide the whole into 5 equal parts and take 1. Note that in 1/3, the whole is divided into a smaller number of parts. Then in 1/5, the equal part that we get in 1/3 is therefore larger than the equal part we get in 1/5, since in both cases we take the same number of parts. 1. The portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion showing 1/5. And therefore, 1/3 is larger than 1/5. तो इसमें क्या हो रहा है, जब अनलाइक फ्रैक्शन मिल रहे हैं हमें, तो उसमें देख रहे हैं जो नीचे वाला जो स्मॉलर है वो क्या बन जा रहा है, ग्रेटर बन जा रहा है। जो ग्रेटर है वो क्या बन जा रहा है, स्मॉलर बन जा रहा है। जैसे कि 1/3 था, 1/5 था, तो 1/3 वाला ग्रेटर हो गया और 1/5 वाला स्मॉलर हो गया। वी कैन से दैट 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है यस सर। सर कैसे छोटा बड़ा हो गया और बड़ा छोटा हो गया? हाँ ठीक है, क्या कह रही हो जैनब? सर कह रहे हाँ 3 बड़ा कैसे हो गया और 5 छोटा कैसे हो गया? अब देखो जनाब, एक होल पार्ट था, कितना पार्ट था? होल पूरा, एक होल पार्ट था। उसमें अगर आपके पास एक मान लीजिए मिठाई है, 3 बच्चों में बांटनी है, तो अगर 3 लोगों को बांटोगे तब ज्यादा मिलेगा कि 5 लोगों को बांटोगे तब ज्यादा मिलेगा? सर 3 लोगों को बांटेंगे तो सेम ऐसे फ्रैक्शंस में होता है, यानी कि 1 पार्ट का 3 पार्ट किया गया है, इसी के अपोजिट उसी 1 पार्ट का कितने पार्ट कर दिया गया है? 5। तो जो 1/3 है वो ग्रेटर हो रहा है क्योंकि हमें क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू 1/5। सो जो फ्रैक्शंस में होता है अनलाइक वाले में वो इसलिए ग्रेटर हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखेंगे इसी में लिखा है एक बोर्ड में, बोर्ड लेटर दिख रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इन द टू फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। अगर न्यूमरेटर इक्वल मिल रहा है तो कह रहा है द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। क्लियर है? यस सर। चलो अब कह रहा है इसी में ट्राई दिस है आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता है? यस सर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर और क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर? सर असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आएंगे एग्जांपल, नीचे सिख दिया है, कंपेयर 4/5 एंड 5/6। एग्जांपल सिख दिख रहा है? यस सर। अब सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है जनाब? The fraction are unlike fractions. Their numerator are different too. Let us write their equivalent fractions. 4/5. अब कह रहा है
जनाब आप क्वेश्चन देख रहे हो, कंपेयर कह रहा है 4/5 and 5/6। अब आप इसमें देखेंगे ना तो इसका न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, इक्वल है सर, इक्वल है ना। अभी तक हम लोगों ने किस किस की कंपेरिजन की थी, या तो डिनोमिनेटर इक्वल था या न्यूमरेटर इक्वल था, बट यहाँ क्या कह रहा है इसमें ना न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। अब कह रहा है लेट अस राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना सीख लिया है, कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सर? ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक कॉमन नंबर से अरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे 4/5 है इसका, जब हम लोग क्या कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे तो हमें मिलता है 8/10, 12/15, 16/20, 20/25, 24/30 and 28/35 and so on। जैसे जैसे हम नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे और उनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। ये चीज क्लियर है जनाब? यस सर। अनेक? यस सर। अरुण? यस सर। सौम्या? यस सर। कि मतलब हम लोगों ने उसी फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट कई फ्रैक्शंस बना लिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे, फिर 4 से ऊपर नीचे, फिर 5 से ऊपर नीचे, और फिर सो ऑन। ऐसे हम लोग क्या करते गए, आगे बढ़ते गए, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते गए। सेम हम लोगों ने दूसरे वाले के साथ किया, हमें क्या मिल रहा है 10/12, 15/18, 20/25, 25/30 and 30/36। ऐसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लिए, ठीक है। Yes, sir. अब आगे देखते हैं इसके। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर, अब देखेंगे ऐसे ऐसे जब बनते बनते ये चला गया, एक समय ऐसा आया कि डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी इक्वल हो गया, दिख रहा है? यस सर। ऊपर वाले में 24/30 का है और नीचे वाले में 25/30 का है, ये क्या हो जा रहा है इसमें डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो जा रहा है बताइए, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? डिनोमिनेटर इक्वल हो जा रहा है, दोनों में क्या हो जा रहा है 30-30 हमको मिल जा रहा है। अब देखेंगे हम लोग, हमें जो मिल रहा है ये मिल रहा है 24/30 and 25/30, ये मिल रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो जो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होता है वही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है जनाब। यानी कि 25/30 इज ग्रेटर देन 24/30 हो जाएगा। अब 25 बड़ा होता है 24 से, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला बड़ा हो जाएगा, और ये वाला किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/30। जनाब ये जो 25/30 मिला था और 24/30 मिला था, तो 25/30 वाला ये ग्रेटर हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया, ठीक है। अभी जो 25/30 था ये हमें किस वाले का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला था? 5/6। तो ये हो गया हमारा 5/6 इज ग्रेटर देन 4/6, ठीक है, 4/5 था। अब इस वाले से हम लोग ये कंक्लूजन में पहुंच गए, ये रिजल्ट में पहुंच गए, ये वाला बड़ा है, इट मींस इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा इस वाले के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। क्लियर है? यस सर।
अब है कंपेयर 5/6 एंड 13/15, इसको आप लोग घर से करिएगा और इसको हम पूछेंगे, ठीक है? यस सर। उसके बाद इसमें है आपका क्वेश्चन टू, कंपेयर द एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन टू आप लोग को अपने से करना है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन, ये अपने से करना है, ठीक है? यस सर। ओके, क्वेश्चन फोर में ए का है, इसके पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद इसको देखना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर, ये आप लोग का क्लास वर्क है, होमवर्क है, इसको करके फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, जब हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे तो सोशल स्टडी चलेगा आप लोग का, ठीक है? चैप्टर 5, तो एक बार उसको रीड कर लीजिएगा बुक, ठीक है क्लास?